नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे खाता नंबर के बारे में, यानी कि आपका जो जमीन है उसका खाता नंबर कितना है, आप कैसे पता करेंगे। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार सरकार लगातार इस पे काम कर रही है, जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों में कमी लाया जा सके। बता दें कि बिहार सरकार इन दिनों जमीन सर्वे का कार्य भी करवा रही है, जिससे कि प्रदेश में गैरमजरूआ और रैयत जमीन की पहचान की जा सके। बता दें कि वर्तमान में कई ऐसे जमीन से जुड़े हुए मामले हैं जिस पर एक ही प्लॉट पर दो लोगों ने मालिकाना हक का दावा किया है। कहा जा रहा है कि कोर्ट में इस तरह के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का कार्य शुरू किया है, जिसमें एक तो रैयत की जमीन मिल जाएगी तो वहीं गैरमजरूआ जमीन की भी पहचान हो जाएगी, जिसे बिहार सरकार अपने उपयोग में इस्तेमाल करेगी। ऐसे में आइए जान लेते हैं आप अपनी जमीन का खाता नंबर कैसे पता करें। इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट land.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि ऑनलाइन दाखिल, खारिज आवेदन, भू लगान, परिमार्जन आदि। इन सब में आपको दिख जाएगा अपना खाता देखें। जब आप अपना खाता देखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें बिहार का नक्शा बना होगा। इसमें बिहार के सभी जिलों का मानचित्र भी होगा। ऐसे में आपको अपने ज़िले के बारे में चुनना है तो इसके लिए आपको अपने ज़िले पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको अपना अंचल चुनना होगा। जब आप अपना अंचल पर क्लिक कर देंगे तो आपको स्क्रीन पर अंचल के साथ मौजा भी दिखाई देगा। वहाँ पर आपको अपना मौजा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको खाता खोजे पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपके मौजे के अनुसार प्लॉट खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आप अपना खाता देख सकते हैं। इसके लिए आपको यह याद रखना चाहिए कि वह खाता किसके नाम से है। मान लीजिए कि उस मौजे में ज़मीन आपके दादा या फिर आपके पिताजी के नाम से है, तो वहाँ पर नाम जो दिखेगा उसमें आपके पिताजी का नाम दिखेगा या फिर आपके दादाजी का नाम दिखेगा। साथ ही उसी ज़मीन का रकबा कितना है, उसकी चौहद्दी कितनी है, यानी कि कौन कौन सी चौहद्दी में कौन कौन से लोग हैं, साथ साथ खाता नंबर क्या है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको अभिलेख लिखा हुआ मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप अपने प्लॉट का खाता नंबर जान सकते हैं, खसरा नंबर जान सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर हम इसे उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें तो बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप किसी भी ज़िले का सिलेक्ट करें, जो कि हमने ऊपर में आपको बताया यहाँ पे बिहार का जो नक्शा बना होगा उस पर आपको अपने ज़िले के बारे में सिलेक्ट करना होगा। हमने बक्सर ज़िले का चयन किया। बक्सर ज़िला चुनने के बाद हमने एक अंचल चुना जिसका नाम है ब्रह्मपुर, जो कि आपको नक्शे पर दिखाई दिया जाएगा। इसके बाद हमें मौजे का चुनाव करना है। यहाँ आप माउस से आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे करके आप उसे खोज सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर अपने मौजे का पहला अक्षर लिखेंगे। जैसे ही आप उस पेज पर जाएंगे तो आपको वो पूरा प्रक्रिया जो है वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे आप जो है उसका अक्षर चुन लेंगे। अब आपके सामने आपका मौजा आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने आपके मौजे का प्लॉट के मालिक का नाम और खाता दिखेगा। यहाँ आपको अधिकार अभिलेख भी दिख जाएगा, जिसमें कि क्लिक कर आपको अपना खाता नंबर दिख जाएगा। साथ साथ यहाँ पे खेसरा नंबर दिख जाएगा। आप इस तरह से अपना खाता नंबर आसानी से खोज सकते हैं। एक तरह से कह लें कि खाता नंबर, खसरा नंबर को लेकर बहुत समस्या होती है लोगों को खोजने में, कि हमारा जो प्लॉट है उसका खाता नंबर कितना है, उसका खसरा नंबर कितना है। तो इस वेबसाइट पर जाने के बाद बस आपको अपने मौजा के साथ उस व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए कि जिसके नाम से वो ज़मीन है। उसके बाद यह पता चल जाएगा कि उस मौजे में जो है कितने नंबर का प्लॉट जो है वो है, यानी कि उसका खाता नंबर कितना है और उसमें जो है खेसरा नंबर कितना है। इसे आप जो है आसानी से खोज सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।